बाप कब आएंगे ये पता नहीं। सुनो, कहीं लोग होता है जिसकी बेटी यत को हो गई शादी ब्याह करने लायक, उनको कोई फिक्र ना है। अभी इनको कॉल करते हैं। हेलो, कहाँ है जी? बाप रे बाप, कितना टाइम हो गया, आप सुबह ही गए हैं मार्केट, अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा सुनिए, आइएगा न तो 4-5 को कुर्सी ले लीजिएगा एक्स्ट्रा। हाँ है, घर में जान ले ना, घर में कुर्सी तुर्सी ना है, सब टूटलका फूटलका कुर्सी है। क्या कहे कि उसकी सासू माँ जो टूटलके फूटलके कुर्सी रखती है। आ जल्दी आइए, लेटर नहीं कीजिए, जल्दी आइए। हे बेटा, तुमको एक बात कह देते हैं, सब चीज़ संभाल लेना, तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ है। और बेटा, बहुत मुश्किल से लड़का मिला है। एक बात कह देते हैं, हम जो कर रहे हैं हमको वो करने दो। No! और तुम जो कर रही हो वो तुम करो। एक तो इतना जल्दी शादी कर रही हो, ऊपर से बोल रही हो कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। क्या हम पागलों रहे क्या? हम कुछ बोल देंगे, हमको जो लड़का नहीं अच्छा लगेगा हम सीधा कहेंगे नहीं अच्छा है। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ये बार कोई गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक। और जोन बेन करती हो, कितना गरीब माए बाप हैं, कैसे कैसे करके शादी ब्याह कर रहे हैं। हाँ बाप रे बाप, आ गए कुटुम, गेम आई। हे छोटू, तुम जाओ तो जाके देखो कितना कुटुम आए हैं, जा इसको है जल्दी जल्दी तैयार कर तुम। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, खाना पीना तो हो गया, खाना एकदम लल्लन टॉप था, लेकिन उसमें एक वैरायटी छोड़ दिए, एक वैरायटी रखते हैं ओह मज़ा आ जाता। खैर छोड़िए, बेटी को मम्मी पापा हैं, जितना किया वही काफ़ी है, अब तनी अपन बेटियों को दिखा दीजिए, देख लेते हैं कैसी है आपकी बेटी। हाँ बुलाते हैं बुलाते हैं, ललमुनिया जाओ तनी फूलचुनिया बुला के लाओ, जल्दी लाओ। अच्छा फूलचुनिया, ये कौन सा नाम हुआ, हम पहली बार सुन रहे हैं फूलचुनिया नाम। अरे नहीं नहीं नहीं, फूलचुनिया नाम ना इसलिए रखे, जब बच्चा थी तो बहुत फुदुर 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 खूब करती थी, तो घर में सब इसको फूलचुनिया कहते हैं बच्चे से। हाँ भाई, आप लोग क्या रहिएगा, खैर छोड़िए, हमको नाम उम से क्या लेना है, हमको लड़की दिखाइए, लड़की देखेंगे कैसी है आपकी। ये देखिए आ गई हमारे फूलचुनिया, कितने सुंदर लग रही है, बाप रे बाप, किसी को नजर ना लग जाए हमारी बेटी को। दो अनजाने अजनबी। अरे बस 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 बस, पैर उड़ मत छुओ, हम लड़की से पैर उड़ने छुवाते हैं। माना तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन बेटियां तो आखिर हुई, पैर उड़ने छुवाते हैं हम लड़की से, ऐसे ही खुश रहो। और बताओ पढ़ाई लिखाई की हो कि साफ मूर्खे हो? अच्छा अच्छा बीए कर रही हो, चलो बढ़िया है, बिना बैठे कितना देर तक खड़ा रह सकती हो? मेरा मतलब है काम कर सकती हो। एक घंटा, बाप रे बाप, हम तो 5-5 घंटा अभी भी काम कर लेते हैं, ऐना करके बैठबो नहीं करते हैं। खैर छोड़ो, तुम लोग मॉडर्न जमाना को, हम ठहरे पुराना जमाना को। खाना उना बना लेती हो? रोटी बना लेती हो? वैसे रोटी गोल तो नहीं होता है, लेकिन रील्स बहुत अच्छा हम बना लेते हैं। रील्स तो मत पूछो, वो हमको पता था, आजकल कलर की कोई रील्स नहीं बना, ऐसा हो सकता है? नहीं, ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैगी चाउमीन और सूप भी बना लेते हैं। सूप भी बना लेती हो? बाप रे बाप, आपकी बेटी में बड्ड गुण है बड्ड। तब हमको छठ पर्व में भगवान जी सूप खरीदनो नहीं पड़ेगा, घर में बना देगी। अरे मम्मी पीटे वाला सूप बोल रही है। हमको क्या पता था जो सूप होता है पीने वाला, हम ठहरे पुराना जमाना का। एक बात और पूछते हैं, जब तुम शादी करके मेरे घर आओगी, मेरा सेवा सत्कार करोगी और मेरे घर में सब काम करोगी? जा, आप लोग ऐसे कहे देख रहे हैं, क्या हमको ना गलत क्वेश्चन पूछ दिए? No! आजकल की लड़की सुन, जब तक सब बात
बात एकदम स्पष्ट नहीं पूछ लीजिए तब तक रिश्ता पक्का नहीं किया कीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। बुढ़िया कहीं की, अभी जितना जो चीज़ करवाना है पूछवाना है पूछ लो, शादी की बात तो हम ही पूछेंगे, सब चीज़ मेरा ही चलेगा। चलो समझ गए तुम गुणवान हो एकदम, लेकिन तनी अभी और चीज़ बाकी है, देख लेते हैं कहीं ऐसा ऐसा तो बात उतर नहीं है। अब यहाँ तो पर करो, बहुत बढ़िया, थोड़ा चल के दिखाओ तो। शादी करवा रही है कि योगा करवा रही है? सूट में देख लिए, लेकिन साड़ी में दिखते तब अच्छा रहता। साड़ियों तनी दिखा दीजिए इसको, साड़ी उड़ी पहनना पड़ेगा, हम अब ये कह रहे हैं तुमको, मेरे घर में ऐसा फैशन नहीं चलेगा, साड़ी पहनेगी। अभी बुढ़िया तब ये इतना बदमाश लग रही है, शादी के बाद ही क्या करेगी, अभी साड़ी पहन, साड़ी और साड़ी पहन। देखिए आपकी बेटी साड़ी पहन ली, कितना सुंदर हो गई, ओ इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्यूटीफुल हो गई। अब तनिक हमरे बेटा आज भी बात कर लो, दोनों आपस में बात कर लेगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बाद में कहेगा मम्मी तुम ही तो बात कर ली, हमको बात कहाँ करने दी, जाओ बेटा। अरे अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे, सबके सामने कैसे बात कर सकते हो, अकेला बात करोगे, मॉडर्न जमाने के तुम लोग हो, जाओ जाओ बात कर लो। आपका नाम क्या है? फुलचुनिया। आपका? मेरा नाम ढुन्नू है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा आप ये बताओ, खाना वाना बना लेते हो आप? सच बताऊँ तो मुझे खाना पीना बनाना नहीं आता है। लेकिन आपकी मम्मी को झूठ मूठ का बोल दिए कि हाँ आता है खाना बनाने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, हम है ना हम किस दिन कम आएंगे आपके। और घूमना पसंद है आपको? मेरी बस चले ना तो पूरे दिन हम घूमते रह जाएंगे, पूरे दिन रात, लेकिन क्या करें घर वाले कहीं जाने ही नहीं देते हैं। कोई नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाए फिर आपको हम जहाँ बोलिएगा वहाँ लेके चलेंगे। एक बात और पूछे, आपका कोई बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड नहीं 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 नहीं, मन तो था बॉयफ्रेंड बनाए, लेकिन हमारे रिश्तेदार सब बॉयफ्रेंड बनाने देंगे तब ना, एक को लड़का से अगर बात करेंगे तो बाप रे सब चिबाई एक रख देंगे। खैर जाने दीजिए, बॉयफ्रेंड ना सही लेकिन आपको जब से देखे हैं क्या बताएं, शर्म भी आ रहा है बोलने में, आप हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं। यार आप कितनी अच्छी हो यार, यार आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी मम्मी जी तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत ही ज़्यादा। ठीक है तो मम्मी को जाके बोल दे लड़की पसंद है मुझे। जी मम्मी। तब लड़की कैसी लगी? लड़की बहुत अच्छी लगी, पसंद है मुझे। सुन लिया जी, मेरा बेटा आपकी लड़की पसंद है। तब रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता पक्का समझ गया। लाख लाख शुक्रिया जो मेरी बेटी को आप लोग पसंद कर लिए। पंडित जी से एक अच्छा सा दिन रखवाइए, और वो क्या कहते हैं औठी जो पहना था हाँ एंगेजमेंट वो भी करवा लेंगे। जल्दी जल्दी पंडित जी से दिन रखवाइए, हम लोग इकलौता बेटा है, सब शौक मौज इसी में खत्म करेंगे। हाँ नमस्ते 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 प्रणाम। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर मेरे यूट्यूब पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।